मैं समझता हूं कि गोवा की राजनीति में आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। गोवा की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो करप्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। गोवा सरकार देश में इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट गवर्नमेंट्स इन द कंट्री, और उसके बावजूद गोवा के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। उसके बावजूद लोगों की ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सारा पैसा चोरी हो जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि चाहे किसी भी पार्टी की टिकट से कोई चुनाव लड़े, जीतने के बाद वो कभी इस पार्टी में चला जाता है, कभी उस पार्टी में चला जाता है। पिछले एक दो चुनावों से देखने को मिल रहा है कि चाहे जिस मर्जी पार्टी से लड़े, वो सारे बीजेपी में चले जाते हैं। ये एक तरह से चीटिंग है वोटर्स के साथ, जिसके नाम पे आप वोट लेके आते हो और लोग भरोसा दिखाते हैं कि हम इस पार्टी को वोट दे रहे हैं, आप एक तरह से उस अपने लोगों की वोट बेच देते हो। तो आज हमारे सभी कैंडिडेट्स ने एक एफिडेविट साइन किया है, और एफिडेविट में ये कसम खा रहे हैं कि हम अगर जीते तो हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे, और दूसरा कि हम आम आदमी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। हमारे कैंडिडेट्स हमने बहुत ध्यान से चुने हैं। एक एक कैंडिडेट को हमने देखा है कि वो साफ इमेज वाला है, अच्छा कैंडिडेट है, ईमानदार कैंडिडेट है। हमने अपने सभी कैंडिडेट्स को अच्छे से चुना है, तो सभी ईमानदार कैंडिडेट्स हैं, अच्छे कैंडिडेट्स हैं। फिर इस एफिडेविट की क्यों जरूरत पड़ी? इस एफिडेविट की जरूरत है कि यू शुड नॉट जस्ट बी ऑनेस्ट, बट यू शुड ऑल्सो सीन टू बी ऑनेस्ट। जनता को भरोसा दिलाना है। जनता भरोसा नहीं करती है कि ईमानदारी से सरकार चल सकती है, ईमानदार कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, तो जनता को भरोसा दिलाना है। ये एफिडेविट आज साइन करके आप सब लोगों के सामने ये एफिडेविट्स दिखा रहेंगे अभी, और इसकी कॉपीज हर कैंडिडेट अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में हर घर के अंदर इसकी फोटोकॉपी भिजवाएगा। वो एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं बेईमानी करूं या अपनी पार्टी बदलूं तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, झूठा एफिडेविट साइन करने का, कई सारे केसेस बनेंगे फिर। तो एक तरह से हम अपने हाथ काट के जनता को दे रहे हैं, जनता को ताकत दे रहे हैं। तो मैं अब अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अमित जी ये एक एक लाइन पढ़ेंगे, वो सबको ये आप सबके सामने शपथ दिलवाएंगे। ये जो भी एफिडेविट में लिखा है वो सब लोग शपथ लेंगे, और उसके बाद इसकी फोटोकॉपीज जो हैं रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसीज में बांटी जाएंगे। ओवर टू अमित। बोल दो सब लोग खड़े हो गए। आप आपले एफिडेविट घेऊन रिपीट करा। हाव तुमचे नाव सांगा आता। अमित अशोक पालेकर, वर्षा 45 वर्षा, रावपी सांताक्रूज, सोपुतपत्र बरोवपाचे कारण म्हळ्यार सांताक्रूजच्या लोकांनी म्हाका आमदार म्हणून वेचून दीत जाल्यार देवाक साक्षी दवरून हांव सोपूत घेता की हांव केन्नाच लाच घेवचो ना। हांव आम आदमी पार्टी सोडून बाकीच्या खंयच्याच पक्षांत वचचो ना। हांव सांताक्रूजच्या लोकांची मनासावन सेवा करतलो, हे म्हजे वचन आसा, आणि हांवें दिल्ले उतर पाळूक ना जाल्यार सांताक्रूजचे लोक म्हज्या आड कायदेशीर कारवाय करूंक शकतात। हे सोपुतपत्र हांव पुरायपणान स्वतःचे खोशेन अक्कल हुशारीन आणि कोणाच्याच दबावाक बळी पडनासतना बरयता। अभी सबने ये शपथ ली, ओथ ली कि हम ईमानदारी से काम करेंगे और अपनी पार्टी छोड़ के किसी पार्टी में नहीं जाएंगे।
अब ये कॉपीज जो है हम हर कैंडिडेट अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में बांटेंगे। ये एफिडेविट इन राइटिंग है, जैसे सर ने कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा कि जो एंटी डिफेक्शन लॉज है इंडिया में, बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है, खास करके गोवा के लिए, क्योंकि गोवा की जनता जानती है कि जिस तरीके से डिफेक्शन होते आ रहे गोवा में, बहुत बुरा है। अगर आपको लगता है कि आपको डेवलपमेंट करने की जरूरत है, इसीलिए आप पार्टी बदलते हैं, तो मुझे लगता है कि हर कैंडिडेट को वापस अपने लोगों के पास जाना चाहिए, वापस इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। इस कैंडिडेट इस एफिडेविट का वैल्यू ये है कि ये ब्रिच ऑफ ट्रस्ट कहलाया जाएगा अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है हमारे वोटर्स में, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं कि देखिए ये हम राइटिंग में दे रहे हैं। हमें किसी मंदिर मस्जिद में जाके या कहीं चर्च में जाके कोई भी जरूरत नहीं है कि हम शपथ ले, हम एक राइटिंग रिटर्न डॉक्यूमेंट दे रहे हैं लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए।